Welcome back, dear students. Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. So today we will do kinds of pronoun. In our last video, we have already done pronouns. So आज हम kinds of pronoun करेंगे. How many kinds of a pronoun? According to your book, there are 7 kinds of a pronoun. First is personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज दैट आर यूज फॉर पर्सन्स, जो पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. दे आर ऑफ थ्री काइंड्स. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये क्लियर किया था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, दे आर पर्सनल प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर एंड आर्स, स्टैंड फॉर द पर्सन और द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है, या फिर पर्सन के लिए ही हम फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं, जो पर्सन बोल रहा है. सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन इज कॉल्ड लिसनर, जो सुनने वाला है. द प्रोनाउंस यू, योर एंड योर्स स्टैंड फॉर द पर्सन और द पर्सन स्पोकन टू, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने है, इन फ्रंट ऑफ अस, तो उसके लिए हम यू प्रोनाउन का यूज करते हैं. नेक्स्ट थर्ड इज द पर्सन, द प्रोनाउंस ही, शी, इट, इट्स, दे, हिम, हर, हर्स, हिज, देम, देयर्स एंड देयर्स, दे आर थर्ड पर्सन और द थिंग स्पोकन ऑफ, यानी जिनके बारे में बात की जा रही है, दे आर कॉल्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. व्हेन वी यूज पर्सनल प्रोनाउंस, वी ऑल्सो यूज डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट इज सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, ही इज अ टीचर. यहाँ ही सब्जेक्टिव केस में है. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव केस. प्रोनाउंस यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स, जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस. फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल गेव अ गिफ्ट टू मी. यहाँ मी एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है. नेक्स्ट देखिए पोजेसिव केस. पोजेसिव केस, प्रोनाउन विच एक्सप्रेस ऑनरशिप. पोजेसिव केस से हमें ये पता चलता है कि क्या और कौन सी चीज है, जो किसकी है, ये इसका मालिक कौन है, ये चीज किससे बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर माइन. यहाँ बुक्स किससे बिलोंग करती हैं, मुझसे. यहाँ बुक्स का पोजेशन किसके साथ है, मेरे साथ. नेक्स्ट देखिए, द बैग इज योर्स. ये बैग तुम्हारा है, तो यहाँ बैग का ओनर कौन है, तुम. ओके, दीज आर केसेस ऑफ प्रोनाउंस. सेकेंड प्रोनाउन इज पोजेसिव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस दैट इंडिकेट पोजेशन. पोजेशन मीन्स अपनापन, कि जो प्रोनाउन अपनापन शो करते हैं, मीन्स ये चीज़ किसकी है, ये चीज़ किससे बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस सेंटेंसेस. हुज बॉल इज दिस, इसका मालिक कौन है, तो बॉल का मालिक कौन है, इट्स माइन, यह मेरी है, तो बॉल का मालिक कौन है, मैं, मेरी बॉल है ये. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस बाइसिकल इज yours, तो whose bicycle is this, it's yours, तो ball का मालिक कौन है, तुम. the words mine and yours indicate possession. यहाँ mine और yours जो words show किए गए हैं, that are used as a possessive pronoun. first person, second person और third person में जो pronoun possessive pronoun के रूप में use किए जाते हैं, so look at these words. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज माइन, आर्स. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज योर्स. थर्ड पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन इज हिज, हर, देयर्स, इट्स एंड वंस. यहाँ इस टेबल में पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन अलग अलग दिए हैं. देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माय, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर. एंड पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, और इट का पोजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होता, नॉट इन यूज्ड
Next, last is theirs. Look at these examples. This is my book. Those are your bags. That is her purse. Here the words my, your and her. These words are used as a possessive adjectives. Next is this book is mine. Those bags are yours. That purse is hers. Here the words mine, yours and hers. These words are used as possessive pronouns. The possessive adjective or possessive pronoun. Here are the two ways to show possessions. Now today we have completed two pronouns, personal pronoun and possessive pronoun. So I hope you have cleared all this. Next pronouns hum next videos mein karenge. So till then bye. Have a nice day.